हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो प्यार बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्यार बच्चों क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का यहाँ पे ध्यान रखना है। प्यार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके ना प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें यहाँ आप देखिए, हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ऑर्गेनिक से ज्यादा, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से एक दो क्वेश्चन है बस। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपको पूरा ये याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए क्लास को शुरू करते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, तो फटाफट प्यारे बच्चों क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए, इतना कर दीजिए काम, जल्दी से जल्दी इतना काम कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, 9135742024। आप इस पर मैसेज करके बोल दीजिए, सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए यहाँ पे क्लास को करने के लिए, क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चों शुरू करें, एक बार बता दीजिए शुरू करें ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग से निवेदन है कि आप क्या कीजिएगा कि नोटबुक निकालिए और इसको नोट करते चलिए, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि निस्तापन क्या होता है। प्यारे बच्चों पूछा गया कि निस्तापन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, तो पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए कि निस्तापन आखिर क्या है, निस्तापन क्या है। तो देखिए, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। देख लीजिए कितना यहाँ पे आसान डिफिनेशन आपको प्राप्त हो रहा है, और ऐसे ऐसे डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्यार बच्चों, ये जो डिफिनेशन होगा ना, आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। तो ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, निस्तापन अगर आपसे पूछे, प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि निस्तापन आखिर क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम, यहाँ पे क्या, कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निस्तापन कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिफिनेशन, और यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों फिर से हम एक बार यहाँ पे डिफिनेशन बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको क्लास में ही याद हो जाए। देखिए, निस्तापन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को अपने गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसे ही हम लोग निस्तापन कहते हैं। याद रहेगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दो नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन दो दो नंबर का है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सहसंयोजन यौगिक कौन सा होता है। सब प्यारे बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है कि उप सहसंयोजन यौगिक कौन सा है, उप सहसंयोजक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, आप लोग समझते चलिए। उप सहसंयोजक क्या होता है, तो वह यौगिक जो यहाँ देखिए ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थित रहता है। देखिए कैसे लिखना है, जैसे बताए हैं ना, जैसे डिफिनेशन हम लिखे हैं वैसे भी आपको लिखना है। यहाँ देखिए, उप सहसंयोजक क्या होता है, तो वह यौगिक जो यहाँ देखिए ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होता है एवं यह जल में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है तथा इन यौगिकों के गुण इसके अवयवी आयनों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, इस प्रकार की यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया है, आप देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। देखिए कितना बेहतरीन डिफिनेशन है, ऐसा डिफिनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखिए, उप सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो वह यौगिक जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी हो। देखिए, वह संयोजन जो ठोस और यहाँ देखिए द्रव यानी दोनों अवस्थाओं में क्या हो प्यारे बच्चों, अस्थायी हो, क्या हो, अस्थायी हो, तथा यहाँ देखिए यह जल में क्या हो, अपने अवयवी आयनों में क्या हो, वियोजित नहीं होता है, तथा जल में अपने अवयवी आयनों में वियोजित ना हो, तथा इन यौगिक के गुण इन अवयवी कणों से पूर्ण रूप से विभिन्न हो, इस प्रकार के अगर कोई यौगिक होता है तो उसे हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। तो ये आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा का यहाँ देखिए, आप लोग नोट करते
करते चलिए और याद करते चलिएगा। आपके पास टाइम प्यारे बच्चों कम है और ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है। अब यहाँ आप देखिए उपसा संयोजन यौगिक के उपयोग या अनुप्रयोग, ये क्वेश्चन आता है कि उपसा संयोजन यौगिक के प्रयोग कौन कौन से होंगे, उपयोग कौन कौन से होंगे, अनुप्रयोग कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पे लाइन लिखे हैं जो आपको लिख के आना है अगर एग्जाम में पूछेगा कि उपसा संयोजन यौगिक के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उपसा संयोजन यौगिक के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो औषधि रसायन में उपसा संयोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा अगर आपसे एग्जाम में उपसा संयोजन यौगिक के प्रयोग लिखे, उपयोग लिखे, आपको लिखना है कि इसका जो उपयोग होगा औषधि रसायन में किया जाएगा। औषधि रसायन में प्यारे बच्चों आपको उपसा संयोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में उपसा संयोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। धातु का जब भी निष्कर्षण होता है उसमें क्या प्यारे बच्चों उपसा संयोजन यौगिक का प्रयुक्त होना जरूरी है। तो ये दूसरा लाइन है। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, जल की कठोरता दूर करने के लिए उपसा संयोजन यौगिक की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिख देना है, जरूर आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आता है तो आपको ऐसे लिखना है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषण, आप देखिए विश्लेषणात्मक रसायनों में जो होता है इसका क्या होता है, प्रयोग होता है और उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों कि इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी प्यारे बच्चों क्या किया जाएगा, किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप देखिए उपसा संयोजन यौगिक के प्रयोग कौन कौन से होंगे, उपयोग कौन कौन से होंगे, अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चे जो उपसा संयोजन यौगिक है इसका उपयोग हम लोग औषधि रसायन में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विश्लेषणात्मक में इसका प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको लिख देना है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट करते चलिए, जितना जल्दी हो सके ना प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन नोट करते चलिए। चलिए अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आज ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गालक क्या होता है। देखिए गजब का क्वेश्चन है कि गालक क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का होगा बस शायद हमारे हिसाब से, बाकी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि गालक क्या है। प्यारे बच्चों गालक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि के संयोग करके गलनीय धातुमल बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गालक कहते हैं। गालक का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, इसको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन है कि गालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को संयोग करके प्यारे बच्चों क्या कर दे, गलनीय धातुमल बना दे। देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना बेहतरीन है कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को, जो गल नहीं सकता है अशुद्धि को, उसको क्या करता है, संयोग करके गलनीय अवस्था में लाता है, गलनीय धातु बनाता है, उसे ही हम लोग गालक कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, उसे ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है पांच नंबर की, हेलो एल्केन क्या होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग इसको समझिए कि हेलो एल्केन क्या होता है। जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना बॉडी जबरदस्त जबरदस्त हो रहा है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना आपको याद करते चलना है। हेलो एल्केन क्या है, चलिए हेलो एल्केन क्या होता है, तो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करने के फलस्वरूप जो प्रताप या जो प्राप्त यौगिक होता है उसे ही हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो हमारा तो डिफिनेशन प्यारे बच्चों यहीं पर खत्म हो गया, हमारा तो डिफिनेशन इतने लाइन में खत्म हो गया कि हेलो एल्केन्स क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो यहां देखिए एल्केन्स से, यहां देखिए एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त जो यौगिक को, यहां देखिए क्या कहते हैं, जो प्राप्त यौगिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखना है किसे हैलोजन यहाँ देखिए व्युत्पन्न अथवा यहाँ देखिए एल्कीन हाइलाइट को भी कहा जाता है, यानी यहाँ देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसे हैलोजन व्युत्पन्न या यहाँ देखिए एल्कीन हाइलाइट भी कहते हैं। हैलोजन एल्केन का यहाँ देखिए एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। ये जो होता है प्यारे बच्चों हेलो एल्केन, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, यह एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसका यहाँ देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CN यहाँ देखिए H2N+ NX होता है, और ये आपको प्यारे बच्चे याद कर लेना है। तो अगर आपसे पूछ
पूछेगा एग्जाम में कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो आपको लिखना है कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्यारे बच्चे प्रतिस्थापित करने से प्यारे बच्चे जो यौगिक प्राप्त होता है उसे ही हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो ये भी साथ में प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हम तो बोलेंगे कि कॉपी में नोट कीजिए तब याद कीजिए। नोट करने से क्या होगा, एक तो राइटिंग में सुधार, दूसरा आपको याद भी होगा जल्दी। अब यहां देखिए क्वेश्चन आपके सामने आता है 6 नंबर की क्राइकलता क्या है। क्राइकलता क्या है, क्राइकलता क्या होता है प्यारे बच्चों, अब इसको यहाँ पे कैसे लिखिएगा, तो चलिए प्यारे बच्चों क्या होता है कि वे वस्तु है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है उन्हीं वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ आप देखिए क्राइकल कहते हैं, काइरल, काइरल है क्या प्यारे बच्चों, काइरलता क्या कहते हैं, काइरलता प्यारे बच्चों, काइरलता किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं उन वस्तुओं को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, क्राइकल कहते हैं, तथा इसके गुण को क्राइकलता कहते हैं। यहाँ देखिए उसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्राइकलता कहते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, एवं वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्राइकल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको याद कर लेना है, यहाँ देखिए इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन की हाइलोजन के उपयोग लिखे, देखिए हाइलोजन हम आपको बता दिए, अब पूछा जाता है कि हाइलोजन के उपयोग कौन कौन से हैं, लिखे हाइलोजन के उपयोगों को लिखे, लिख देगा क्वेश्चन में कि आपको हाइलोजन के उपयोगों को लिखे या हेलो एल्केन्स के उपयोगों को लिखे, तो हाइलोजन के एल्केन्स हम आपको बता चुके हैं, अब यहाँ देखिए हेलो एल्केन्स भी हम आपको बता चुके हैं, अब क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स के उपयोग लिखे, तो प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का यहाँ पे हम आपको शायद बताए हैं, अब हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि हेलो एल्केन्स का उपयोग क्या होता है, तो हेलो एल्केन का उपयोग क्या होता है, तो हेलो एल्केन का प्रमुख उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। यहाँ देखिए हेलो एल्केन्स का प्रयोग प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि हेलो एल्केन का उपयोग प्यारे बच्चों कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। यहाँ देखिए एल्कीन क्राइकल, यहाँ देखिए हेलो एल्केन का उपयोग यहाँ देखिए निश्चेतक के रूप में किया जाएगा। देखिए यहाँ देखिए हेलो एल्केन का उपयोग पहला तो यहाँ देखिए कार्बनिक संश्लेषित में, दूसरा इसका निश्चेतक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग यहाँ देखिए औषधि बनाने में किया जाता है, यानी इसका 3 उपयोग है, तो आप लोग इसका लिख दीजिएगा, जरूर नंबर मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि हेलो एल्केन्स के उपयोग लिखे, तो हेलो एल्केन्स का प्रमुख उपयोग प्यारे बच्चों कार्बनिक संश्लेषण में, हेलो एल्केन का प्रमुख उपयोग प्यारे बच्चों निश्चेतक के रूप में, और हेलो एल्केन्स का उपयोग प्यारे बच्चों किस में, औषधि बनाने में किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए वास्तविक विलयन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि वास्तविक विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं फटाफट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक विलयन क्या है, वास्तविक विलयन प्यारे बच्चों क्या लिखा है, वास्तविक विलयन क्या है, तो ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm हो या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, इस प्रकार के विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। देखिए कितना जबरदस्त डेफिनेशन है, आपको इसको याद कर लेना है कि वास्तविक विलयन क्या है, तो ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, देखिए ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन क्या होता है, समांगी प्रकृति के होते हैं, वास्तविक विलयन जितने भी होते हैं समांगी प्रकृति के होते हैं, इनके यहाँ पे कणों की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते हैं, इनके कणों को प्यारे बच्चों सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपको याद 110% होना चाहिए, जो प्यारे बच्चों आपको याद 110% होना चाहिए यहाँ पे, कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिख गए, तो चलिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तो यह दुर्लभ रूप से यहाँ देखिए भौतिक अधिशोषण जो होंगे, भौतिक अधिशोषण में क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए यह दुर्लभ रूप से कमजोर वान डर वाल बल द्वारा ये बंधे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, किसमें क्या होगा, भौतिक अधिशोषण में प्यारे बच्चों, यह दुर्लभ रूप से वान डर वाल बल द्वारा, यानी कमजोर वान डर वाल द्वारा ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं या बंधे होते हैं। और यहाँ देखिए रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, कि यह रासायनिक बंधनों के द्वारा
क्या होते हैं प्यारे बच्चे, बंदे होते हैं, और इनके कारण इनको क्या कहा जाता है, रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, यह पृष्ठ, यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है प्यारे बच्चों, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करने बढ़ाने पर बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, भौतिक अधिशोषण ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए दूसरा है कि यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी यहाँ देखिए इसका भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका भी बढ़ेगा। तो ये भी आपको याद रखने की, ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आ जाती है, यानी आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भौतिक जो अधिशोषण होता है प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, कमी आ जाता है। और इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर पहले इसमें वृद्धि होती है परंतु बाद में इसमें कमी होने लगती है। तो ये आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ देखिए, इसकी यहाँ देखिए सक्रियण ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा इसकी शून्य होती है। देखिए क्वेश्चन है कि जो भौतिक अधिशोषण होगा इसका सक्रियण ऊर्जा नहीं होगा, अर्थात सक्रियण ऊर्जा इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसका सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको लिखना है। अगला आ जाइए, आप देखिए अगला जो टाइप है इसका, यहाँ पे अगला टाइप पांच नंबर क्या है कि यह प्रकृति में आप देखिए विशिष्ट नहीं है। कौन, भौतिक अधिशोषण प्रकृति में क्या है प्यारे बच्चों, विशिष्ट नहीं है, जबकि यह प्रकृति में क्या प्यारे बच्चों, अति अधिक विशिष्ट है। यानी कहने का मतलब ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, ये क्या है, प्रकृति में बहुत ज्यादा विशिष्ट है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए छुआ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यह प्रकृति में उत्कर्मणीय होता है। क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, भौतिक अधिशोषण प्रक्रियाएं क्या होती है, तो भौतिक अधिशोषण प्रक्रियाएं होती है उत्क्रमणीय, और यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण प्रक्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी जल्दी ले लीजिए इसको, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये उत्प्रेरक क्या है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है। उससे पहले प्यारे बच्चों क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से घंटा को बजा दीजिए ऑल पे, और यहाँ पे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके लाइक कर दीजिए फटाफट, जितने सारे स्टूडेंट हैं लाइक कर दीजिए। चलिए उत्प्रेरक क्या है, तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं गुण तथा भार की दृष्टि से अभिक्रिया में रासायनिक रूप से क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे यानी बदल दे परंतु स्वयं गुण तथा भार की दृष्टि से अभिक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। यहां देखिए एवं यह यहां देखिए परिघटना को उत्प्रेरक क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी घटना को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। तो ये प्यारे बच्चों आपको 10 हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, हो सकता है आज यहाँ देखिए 11 बजे आपका क्या होगा, रिविजन का क्लास होगा, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।